महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल के पहले सीजन से ही चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हैं और धोनी हमेशा दूसरे खिलाड़ियों को प्रमोट करते आए हैं और खुद हमेशा बल्लेबाजी क्रम में नीचे आए। किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ भी धोनी पांचवें नंबर पर ही बैटिंग करने के लिए आए, मगर इस मैच में धोनी ने जो किया वो बेहद शानदार था। चेन्नई की टीम भले ही मैच हार गई, मगर धोनी की बैटिंग ने लोगों का दिल जीत लिया। धोनी ने अपनी पारी की शुरुआत चिरपरिचित अंदाज में सिंगल्स के साथ की और धीरे धीरे अपनी पारी को आगे बढ़ाया। धोनी अपने उसी मंत्र के साथ चल रहे थे कि मैच को आखिर तक लेकर जाओ और फिर मैच जीत जाओ। धोनी ने यही किया भी। महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी इस पारी में 6 चौके और 5 शानदार छक्के लगाए। यही नहीं, धोनी का इस पारी में स्ट्राइक रेट 180 का रहा और आईपीएल इतिहास में अपनी सबसे बड़ी पारी खेल डाली। धोनी की इस पारी का दूसरा हाफ बेहद शानदार था। 25 बॉल में 31 रन बनाने के बाद माही ने जो गियर बदला वो शानदार था। इसके बाद तो धोनी ने छक्कों की झड़ी लगा दी। अगले 19 बॉल में धोनी ने 48 रन बना लिए और टीम को एक तरह से जिता भी दिया था, लेकिन आखिरी ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स 4 रन पीछे रह गई। हालांकि चेन्नई मैच हार गई, मगर धोनी ने सभी का दिल जीत लिया। धोनी ने अपनी इस पारी से आलोचकों के भी मुंह बंद कर दिए और एक बार फिर धोनी ने बता दिया कि वो धोनी क्यों है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।